चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं वचन से। हिंदी में वचन जानते हैं, वचन होता क्या है? चलिए अब देखते हैं। कहावत है क्या कि करबई ऐसन मेहनत की जेकर हर कोई दुहाई देते, कि करबई ऐसन मेहनत कि जेकर हर कोई दुहाई देते, देखेबई ऐसन जलवा कि हर केकरो के सुनाई पड़ते, होते अबेर परीक्षा के परिणाम, होते अबेर परीक्षा के परिणाम जेकर गूंज चप्पे चप्पे में सुनाई पड़ते। तो चलिए एकदम अच्छे से समझिए, कमर कस के तैयार हो जाए और देखिए वचन होता क्या है। और हम वचन आज पढ़ेंगे और आपके एग्जाम में वचन से प्रत्येक किसी भी एग्जाम में आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है। वचन टॉपिक एकदम आसान है, एकदम आसान है। 5 मिनट आपका क्या हो जाएगा, पूरा वचन खत्म, समझ जाइएगा वचन कैसे हम बनाएंगे। तो देखते हैं वचन क्या होता है। चलिए वचन क्या कहते हैं, वचन किसे कहते हैं? तो कहता है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी कि हम अगर कोई बात बोलेंगे और उस बात से हमको यह लगेगा कि एक का बोध कराता है कि बहुत सारे का बोध कराता है, तो हम उसको वचन कहते हैं। जैसे हम कहेंगे मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं से बोलने से एक आदमी का बोध होता है, मैं बोलने से एक आदमी का बोध होता है, तो मैं पढ़ रहा हूं। अगर वहीं पर अगर बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जब हम लोग बोलेंगे तो बहुत सारा का बोध कराया, तो वचन क्या कहता है, एक का बोध कराए। यानी वचन कहता है कि अगर एक हो या अनेक का बोध कराए उसे हम वचन कहते हैं। एक का बोध कराए या अनेक का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, तो वचन कहते हैं। तो चलिए वचन आप जान गए कि किसे कहते हैं, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को या संज्ञा को हम लोग वचन कहते हैं। जैसे अभी बताए हैं बहुत लोग गलत बोलता है, जैसे कैसे गलत बोलता है, तो पूछता है तुम क्या कर रहे हो, तू बोलेगा हम लोग सर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अकेले बैठा हुआ रहता फिर भी कहता कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ऐसे बोलेगा। फोन से अगर किसी से आप बात करते हैं और वहां से आपसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो अभी, तो वहां से जवाब क्या मिलता है कि हम पढ़ रहे हैं, हम बोल दिए, इसका मतलब आपके साथ में और लोग बैठ के पढ़ रहा है और आप अकेले हैं। तो अकेले जब पढ़ रहे हैं तब वहां पर बोलिए कि मैं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ रहा था। तो अकेले का बोध कराने में मैं होता है और बहुत सारे का बोध कराने में हम लोग होता है। तो एक या अनेक कहने का मतलब ये हुआ कि एक या अनेक का बोध कराए उसे हम वचन कहते हैं। आगे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन बाबू कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन जो होता है वह दो प्रकार का होता है, वचन जो होता है वह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक वचन और बहुवचन। एक वचन होता है और बहुवचन होता है। एक वचन को सिंगुलर नंबर, बहुवचन को प्लुरल नंबर। बच्चा बहुत बार कहता है सर द्विवचन कहाँ गया, तीन गो वचन होता है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, तीन गो वचन होता है। नहीं बाबू रे, हिंदी में दुई गो वचन होता है, संस्कृत में तीन गो वचन होते हैं, हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है मात्र। संस्कृत जब पढ़ते हैं ना तो वहां पर एक वचन द्विवचन और बहुवचन होता है, लेकिन हिंदी में दुई गो वचन होता है, कौन कौन थे, एक वचन और बहुवचन। चलिए एक वचन क्या होता है देखते हैं। कहता है एक वचन नाम से ही स्पष्ट है, एक वचन यानी कि एक का बोध कराएगा, एक चीज का, इक्के को वस्तु संज्ञा, इक्के को शब्द का बोध कराएगा, यानी एक संज्ञा का बोध कराएगा, एक वचन। एक वचन क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से एक संज्ञा, एक संख्या का बोध कराए, मात्र एक संख्या का बोध कराए उसको हम लोग एक वचन कहते हैं। एक संख्या का बोध कराएगा उसको हम लोग एक वचन कहते हैं। जैसे लता, लता बोलने से एक किसी, लता लड़की का नाम है किसी का नाम, आंख बोलने से आंख का बोध करा रहा है। अब बच्चा के मन में आएगा सर आंख तो आदमी को दो गो होता है, दो गो होता है कि 10 गो होता है उससे मतलब नहीं, आंख बोला इसका मतलब एक वचन है आंख। तोता, हम तू आंखें बोलेंगे तब बहुवचन होगा, हम आंख बोल रहे हैं इसका मतलब एक वचन है। तोता, अब तोता बहुते है कि कम है उससे हमको मतलब नहीं है। कहेंगे रसगुल्ला, रसगुल्ला बोलेंगे तो एक का बोध कराएंगे, लेकिन वहां पर बोलेंगे रसगुल्ले,
रसगुल्ले तो बहुते का बोध कराया था, यानी एक वचन कहने का मतलब जिसमें एक संख्या का बोध कराया उसे एक वचन कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बहुवचन। बहुवचन नाम से ही स्पष्ट होता है, बहु बहु का मतलब बहुत, बहु का मतलब बहुत, वचन का मतलब वचन, यानी कि वचन आप जानिए गए हैं। बहुवचन का मतलब जो बहुत अनेक होने का बोध कराए, अनेक होने का, संज्ञा शब्द के जिस रूप से अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, यानी कि जिससे बहुत का बोध हो उसे अनेक का बोध हो, अनेक चीज का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लताएं, लताएं बोलने से बहुत लता का चर्चा हो रहा है, लता नाम भी होता है और लता बोलते भी है, जंगल में भी होता है लताएं, जो लती आपको देखते हैं लता। आंख, आंख बोलने से एक होता है, आंख बोलने से एक होता है और आंखें बोलने से बहुवचन होता है। इस तरीके से रसगुल्ला बोलेंगे तो एक वचन, रसगुल्ले बोलेंगे तो बहुवचन, कलम बोलेंगे तो एक वचन, कलमे बोलेंगे तो बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन आप समझ गए। अब कुछ रूल है, कुछ वचन पहचानने का रूल नियम है, रूल नियम इसको देखते हैं। रूल नियम में क्या कहता है, वचन हम कैसे पहचानेंगे उसका रूल नियम समझिए। कहता है शब्दांत अ को ए में बदलकर, यानी शब्द में अगर अ लगा है, शब्द के अंत में अगर अ है तो उसको ए में बदल करके हम लोग वचन को बनाते हैं। जैसे देखिए लड़का, लड़का आया ना तो इसको बना देते हैं लड़के। जैसे पपीता आया ना, इसको बना देते हैं पपीते, यानी कि इससे अ को ए में बदलकर, अ को ए में बदलकर आप क्या करते हैं, वचन बनाते हैं। दूसरा रूल जो आपका कहता है कि शब्दांत अ को ए में बदलकर वचन बनाते हैं, ए में बदलकर वचन बनाते हैं। जैसे कहता है दाल, दाले, कलम, कलमे, तो यह एक वचन से द्विवचन, सॉरी एक वचन से बहुवचन बना। कहता है शब्दांत, अगला तीसरा का रूल कहता है कि शब्दांत में आए आ को आ के साथ, आ के साथ ए को जोड़कर, ए नहीं ए को जोड़कर, यहां देखिए ए नहीं कह रहा है, ए बोल रहा है, ए को जोड़कर, यानी ए को जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। कैसे, तो कविता, कविताएं, कथा, कथाएं, इस तरीके से आप बहुवचन बनाइएगा। आगे चार में कहता है ई, हर्ष ई है, दीर्घ ई नहीं है, हर्ष ई, यानी ई वाले शब्द के अंत में या लगाकर बहुवचन बनता है, ई वाले शब्द के अंत में या लगाकर बहुवचन।